वेलकम टू एस्पायर एचबी कानपुर। मैं शिवम गुप्ता। आज हम लोग फिर यहाँ पर एक नए कॉलेज की बात करने जा रहे हैं। उस कॉलेज का नाम है HBTU, ओके, हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहां पर आपको एडमिशन लेना है एमसीए में, तो आप किस तरीके से एडमिशन ले पाएंगे ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो HBTU में आप तभी एडमिशन ले पाएंगे जब आप दो क्राइटेरिया फॉलो करते हो। एक क्राइटेरिया ये है कि आपने NIMCET का एग्जाम दिया हो तभी कर पाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप यूपी डोमिसाइल के होंगे तभी HBTU में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखें। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, आपने इस बार NIMCET का एग्जाम भी दिया है और यूपी के हैं, तो आप HBTU के लिए जा सकते हैं, ओके। तो वहां के एडमिशन का प्रोसीजर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके का प्रोसीजर है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, नंबरिंग वाइज बताएंगे। तो सबसे पहला जो नंबर है वो आपका ये है कि 20 तारीख को आपका ऑनलाइन फॉर्म आएगा और उस ऑनलाइन फॉर्म को आपको फिल करना है, ओके। पॉइंट नंबर टू, जब ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा आप उसको फिल कर देंगे, फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन उससे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपकी जो फीस होगी वो 2000 रुपए होगी और वो नॉन रिफंडेबल होगी। मतलब उससे कोई मतलब नहीं है अगर आप कॉलेज लें या ना लें, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो 2000 रुपए आपको देने ही होंगे, ओके। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो उस फॉर्म भरने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कॉलेज की सीट मिली है या फिर नहीं मिली है, ओके। अगर आपको कॉलेज की सीट मिल जाती है तो आपको 20,000 रुपए का वहां पे ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा जनरल, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एसटीएससी को 12,000 रुपए का बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और 12,000 रुपए के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे कॉलेज में, ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आप चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, कोई भी हो, उसमें फॉर्म भरते समय आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। जब आप जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तब आपको वहां पर लगाना होगा, ओके। अब मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपए पेमेंट किए हैं, आप कॉलेज लेने नहीं गए, आपने वो सीट छोड़ दी, या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो वो आपकी सीट जो है वो दूसरे को दे दी जाएगी। साथ में जो आपने 20,000 रुपए जमा किए हुए हैं उससे 5,000 रुपए कट के, जिन्होंने 12,000 जमा किए उनसे 5,000 कट के, बाकी बचा हुआ पैसा आपके खाते में आपके पास आ जाएगा, ओके। तो ये वहां का प्रोसीजर है। फिर इसके बाद क्या होगा कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको मान लो सीट नहीं मिलती है तो सेकेंड राउंड भी होगा। सेकेंड राउंड में आपको यही सेम प्रोसीजर करना है। अगर फिर आपके पास थर्ड राउंड भी होगा, थर्ड राउंड में सेम प्रोसीजर यही करना है, और फिर उसके बाद आपके पास फाइनल राउंड मतलब स्पॉट राउंड होगा, ठीक है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, तो ये सारी चीजें वहां पर हैं। तो साथ में जिन्होंने अभी अपना ओबीसी सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें नहीं बनवाई है वो बनवा लें, बाकी आप पैसे का अपना अरेंजमेंट कर लें। अगर वहां एडमिशन लेना जा रहे हैं तो अपने आप जो भी है चीजें अपनी बिल्कुल रेडी रखें, ठीक है। 20 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा तो वो फॉर्म भर दें, और आपको जहां भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पर हमें यहीं पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। कॉन्टेक्ट नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन उस पर आप कॉल कम करें, जितनी ज्यादा हो सकती है कम करें, लेकिन यहाँ पर कमेंट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे, ओके। तो ये तो सारी चीजें हुई HBTU से रिलेटेड। दूसरी बात हम आपको बता दें कि HBTU जो है वो यूपी का सबसे अच्छा माना जाने वाला कॉलेज है, और वहां का प्लेसमेंट भी एक अच्छा ही होता है, ओके। प्लेसमेंट के मामले में अगर बात करें तो अभी तक जब वहां पर नॉन थ्रो आउट होते थे 60%, मतलब 60% ग्रेजुएशन में नहीं होते थे, तब भी वहां का प्लेसमेंट अच्छा होता था, ओके। तो आई होप कि अब जो है NIMCET के थ्रू हो रहा है, पिछली साल NIMCET के थ्रू हुआ था, इस बार भी NIMCET के थ्रू हुआ था, सारे वहां पर 60% वाले स्टूडेंट ही पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले अगले साल में प्लेसमेंट अच्छा होगा, क्योंकि सभी थ्रू आउट 60 होंगे, जिनमें कंपनियों को कोई एतराज नहीं होता है, ओके। तो एक अच्छा कॉलेज है, आपके पास एक अच्छा चांस है, अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो लोग भी लेना चाहते हैं, तो NIMCET में आप ये मान के चलें कि आपकी रैंक अगर 600 या 700 800 है, ठीक है, 700 से ऊपर है, 600 से ऊपर, तो आप वो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि NIT के बाद में अगर देखें तो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि अगरतला से अच्छा HBTU है, ठीक है, और लोग ले भी लेते हैं अगरतला के पहले, ठीक है, लेकिन अगरतला के बाद में तो सारे लोग लेते ही लेते हैं HBTU, ये तो एक अच्छा अपने आप में विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं हमने आपको बताई, साथ ही साथ में क्या है कि अगर आपको कोई भी इश्यू आता है HBTU से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बता देंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है, सारे टीचर वहां पे कोऑपरेटिव है, सारे टीचर आपसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ओके। तो ये तो बात रही आपकी HBTU की नोटिफिकेशन की, वहां पर
एसटीएससी जनरल ओबीसी सबकी सीटें रिजर्व हैं और आप ये सीट मैट्रिक्स जो है ये आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं hbtu.ac.in ठीक है। और एडमिशन का जो फॉर्म आएगा वो आपका आएगा admission.hbtu.ac.in, तो वहां से आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो ये तो प्रोसीजर हुआ हमारा इस चीज का। आगे बात करते हैं हम लोग की जो नए बैचेज हैं हमारे यहाँ पर वो स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन लेना शुरू कर दें ठीक है। काफी बैच जो हमने 11 तारीख से स्टार्ट कर दिया और पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप जल्दी से जल्दी ले लेंगे तो जो लोग अपेयरिंग में हैं या फ्रेशर्स हैं तो उनको क्या होगा कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, जो चीजें आपको प्रॉब्लम करती हैं वो चीजें प्रॉब्लम नहीं करेंगी। आप बेसिक, आपको मैथ अगर नहीं आती है, अगर मैथ नहीं आती है तो एस्पायर ज्वाइन कर लें, अगर मैथ अच्छे से आती है तो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लें। ओके, तो ये तो आपका है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लें, सारे सिलेबस सारे कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट होगा और आपसे एक अच्छा रिजल्ट आपको देने का हम वादा करते हैं ठीक है। आपके फ्रेंड जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहां भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, और आप भी उनसे कंपेयर कर लेना आने वाले सालों में कि आपका रिजल्ट और उनका रिजल्ट क्या है ठीक है। हम यहाँ पर आपको एक ऐसा हीरा बनाते हैं कि आप उस लायक हो पाए कि हर जगह चमकने की कोशिश करें। ओके, आपने इस बार हमारा देखा कि जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था एक एक महीने का, डेढ़ डेढ़ महीने का ठीक है, उन्होंने भी अच्छी रैंक ले आई और वो एनआईटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं ठीक है। तो जब वो एक महीने में एडमिशन ले सकते हैं तो आप एक साल में एडमिशन क्यों नहीं ले सकते हैं ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हैं। जो स्टूडेंट हमें फोन करके एक महीने पहले बोले थे सर हम आपका क्रैश कोर्स लेने तो जा रहे हैं लेकिन आप एक महीने की फीस केवल हमसे ले रहे हैं 1500 रुपए, तो उन्होंने भी देखा कि उनका भी हो गया आराम से ठीक है, तो आपका भी हो जाएगा, टेंशन ना लें, बिल्कुल अच्छे से आए और जल्दी से जल्दी आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो जाए ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के अभी एग्जाम चल रहे होंगे जो फाइनल ईयर में है, कुछ लोगों के प्रैक्टिकल होने होंगे तो वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, हमें कॉल करके बता रहे हैं सर अभी हम नहीं आ पाएंगे, हमारे एग्जाम्स हैं प्रैक्टिकल्स हैं, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, सारी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होना है, किस तरीके से कैसे काउंसलिंग है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यहाँ पर, जिससे कि आपको ये सारी जानकारी भी मिले और आगे वाले समय में हम आपको पढ़ाने में भी कैपेबल हों। ओके, आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, अच्छे से मिल जाएंगे, आप यहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो लोग बहुत दूर से हैं और बहुत ही गरीब स्टूडेंट हैं, नहीं आ सकते कानपुर, अपने किराए का कमरे का किराया नहीं दे सकते हैं, वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं तो इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें, ऑनलाइन में और इंस्टीट्यूट में दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा हम अलग गाइडेंस आपको देते हैं और वो एक अलग गाइडेंस, एक अलग माहौल, एक अलग चीजें होती हैं। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से मेहनत करते रहें, इसी तरह सक्सेस पाते रहें और अपना और हमारा नाम एस्पायर स्टडी का नाम आप ऐसे ही ऊंचाइयों तक ले जाते रहें जिससे कि आप बोलें कि मैंने एस्पायर स्टडी से, वीडियो से, क्लास से, उनकी हेल्प से ये काम करने में कैपेबल हुए हैं या सक्सेस हुए हैं ठीक है। ये आपका सबका हमारे लगाव, हमारे प्रति प्यार है, लगाव है ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं भी ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं ठीक है। थैंक यू।